بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Today we will discuss one more important topic, that is echo and reverberation. So today's topic is echo and reverberation, and it is the lecture number 10 of this chapter. तो स्टूडेंट्स, इको क्या होता है? इको क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक बड़े एम्प्टी हॉल में कुछ वहां पे चिल्लाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम वहां पे ये पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, एक बड़े एम्प्टी हॉल में ये हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो स्टूडेंट्स कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद ये आवाज फिर से सुनाई देगी वहां पे. यानी फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बड़े एम्प्टी हॉल में हमने ये पढ़ा. अगर वहां पे और कोई पर्सन होगा तो पहले वो यही जो हमने पढ़ा ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले वो ये सुनेगा. उसको बोलते हैं ओरिजिनल साउंड, ठीक है, ओरिजिनल साउंड तो पहले वो सुनेगा. उसके बाद क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये जो हमने पढ़ा ये दोबारा वहां पे रिपीट हो जाएगा, ठीक है, वापस वो ये जो हमने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो वापस उसको सुनाई देगा. तो इसका मतलब है कि ये जो ओरिजिनल साउंड हमने प्रोड्यूस किया ये रिफ्लेक्ट होता है एक उस हॉल से, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द बिग एम्प्टी हॉल. तो इसी फिनोमेनन को इको कहते हैं. इसको क्या कहते हैं, इको. फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स खुद भी कर सकते हैं, आप एक बड़े एम्प्टी हॉल में जाइए, वहां आप हेलो कीजिएगा, ठीक है, आप कीजिएगा हेलो. तो एक तो पहले ये अगर वहां पे दूसरा पर्सन भी होगा पहले वो यही सुनेगा हेलो, ठीक है, तो कुछ देर, थोड़ी देर के बाद वहां फिर से वही आवाज सुनाई देगा, वही आवाज सुनाई देगी कि हेलो, ठीक है. लेकिन ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट होता है साउंड, जो आपने साउंड प्रोड्यूस किया ओरिजिनल साउंड, उसके बाद वो रिपीट होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है वो साउंड, इसी को इको कहते हैं. आई होप आपने कई बार ये किया होगा और ये आपने सुना भी होगा ये, और लेकिन इसी को क्या कहते हैं, इको कहते हैं. तो अब हम इको की डेफिनेशन पे आते हैं. द फिनोमिनन ऑफ रिपीटेशन ऑफ साउंड caused by the reflection of sound waves is called an echo. इसी phenomenon को ने repetition जो होती है sound की, ये क्या होता है, reflect होता है sound, sound waves वहां पे क्या reflect होते हैं, इसको क्या कहते हैं, echo कहते हैं. When a person shouts in a big empty hall, we first hear his original sound. एक पर्सन ने जोर से आवाज प्रोड्यूस की एक बिग एम्प्टी हॉल में, तो हम पहले उसकी आवाज सुनेंगे, ओरिजिनल साउंड सुनेंगे. उसके बाद क्या होगा, आफ्टर ए लिटिल वायल, थोड़ी देर के बाद वी हियर द रिफ्लेक्टेड साउंड ऑफ शाउट. तो हम इस चिल्लाने की, इस ये जो आवाज उन्होंने प्रोड्यूस की इस पर्सन ने, उसकी आवाज हम फिर से सुनेंगे, उसको क्या यानी रिफ्लेक्टेड साउंड हम सुनेंगे आप, ठीक है, रिफ्लेक्टेड साउंड ऑफ साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड ऑफ शाउट जो उसने वहां पे चलाया होगा, तो वो आवाज हम फिर से सुनेंगे. दिस रिफ्लेक्टेड साउंड इज एन इको. यही रिफ्लेक्टेड साउंड क्या होता है, इको. तो व्हाट इज इको, इको इज द रिफ्लेक्टेड साउंड और इट इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड, इट इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, तो इसको इको कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, वी कैन हियर इको व्हेन देयर इज अ टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकेंड्स. हम इको सुनेंगे, इको सुनाई देगा, लेकिन कब, जब टाइम गैप कितनी होनी चाहिए, 0.1 सेकेंड्स. ये साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की कि ये जो टाइम गैप है, टाइम इंटरवल गैप जो है इस ये जो इको सुनने के लिए, वो 0.1 सेकेंड्स होने चाहिए. दैट मीन्स 1/10 of a second इन ओरिजिनल साउंड एड इको रिफ्लेक्टेड साउंड. यानी हमने आवाज प्रोड्यूस की, ये ओरिजिनल साउंड कहलाता है, जब ये रिफ्लेक्ट होता है उसको इको कहते हैं. लेकिन ये ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड इनके बीच टाइम गैप एट लीस्ट 0.1 सेकेंड होनी चाहिए, दैट मीन्स 1/10 of a second. सो वी कैन हियर इको व्हेन देयर इज ए टाइम इंटरवल और टाइम गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, हाउ मच, 0.1 सेकेंड, दैट मीन्स 1/10 of a second.
तो इतनी गैप जो हो, गैप जो है, तब जाके हम इको सुनेंगे, यानी और द टाइम गैप, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी 0.1 सेकेंड्स, एंड देन दैट वी कैन हियर, आफ्टर दैट वी कैन हियर ये इको, ठीक है। तो टाइम गैप कितनी होनी चाहिए ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड की? 0.1 सेकेंड्स। इको इज प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए हार्ड सरफेस लाइक ए ब्रिक वॉल, माउंटेन एटसेट्रा, एज सॉफ्ट सरफेस टेंड्स टू एब्जॉर्ब साउंड। तो इको वहां पे अच्छे से सुनाई देगा जहां हार्ड सरफेस हो, यानी ये जो साउंड रिफ्लेक्ट होना चाहिए फ्रॉम हार्ड सरफेस लाइक ब्रिक वॉल, सीमेंटेड वॉल्स, माउंटेन्स एटसेट्रा, क्योंकि जो सॉफ्ट सरफेस होते हैं वो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करते, वो एब्जॉर्ब करते हैं, बिकॉज सॉफ्ट सरफेसेस आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड एंड दे आर बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इको वहां पे अच्छे से सुनाई देगा जहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहाँ से हो जाएगा, किस सरफेस से हो जाएगी, हार्ड सरफेस होनी चाहिए। हार्ड सरफेस से जब ये साउंड रिफ्लेक्ट होता है तब जाके हम इको अच्छे से सुनाई सुनेंगे, क्योंकि जो ये होते हैं ये सॉफ्ट सरफेसेस वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं साउंड को, इसलिए वहां पे इको सुनाई नहीं देगा। कहाँ पे? जहाँ सॉफ्ट सरफेस हो, बिकॉज सॉफ्ट सरफेसेस डू नॉट रिफ्लेक्ट साउंड, दे एब्जॉर्ब साउंड। नाउ मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको। अब टाइम गैप के बारे में मैंने भी आपको बोला कि टाइम गैप कितनी होनी चाहिए ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान, वो तो 0.1 सेकेंड्स होनी चाहिए, 1/10 ऑफ ए सेकेंड्स होनी चाहिए। लेकिन अब मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स हमें एक तो इसके लिए जो ये एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अगर इन तीन क्वांटिटीज में से हमें दो का वैल्यू पता हो तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, या हम लेते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन इको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट हैज बीन एस्टिमेटेड बाई साइंटिस्ट दैट वी कैन हियर द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड इको सेपरेटली ओनली इफ देयर इज अ टाइम इंटरवल और टाइम गैप ऑफ एटलीस्ट 1/10 ऑफ ए सेकेंड, दैट इज 0.1 सेकेंड बिटवीन देम। तो ये भी मैंने आपको बोला, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि टाइम गैप बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी 0.1 सेकेंड्स, तब जाके हम इको सुनेंगे, तब जाके इको सुनाई देगा। और ना कैलकुलेशन हम करेंगे, कैलकुलेट हम करेंगे क्या डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, मैंने अभी आपको बोला कि इस फॉर्मूला के जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? हम स्पीड ऑफ साउंड देखेंगे कितनी है, वो 344 मीटर पर सेकेंड। आयर में तो यही है, 344 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 344 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टाइम इंटरवल अभी मैंने आपको बोला वो है 0.1 सेकेंड, दैट मीन्स 1/10 ऑफ ए सेकेंड इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो स्पीड अभी मैंने आपको बोला 344 मीटर पर सेकेंड, दीजिए स्पीड का वैल्यू 344। तो डिस्टेंस अभी हमें पता नहीं है, टाइम पता है 0.1। तो जब इसको हम तो हम डिस्टेंस यहां पे लाएंगे तो 344 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1, वी गेट 34.4 मीटर। तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना आया? 34.4 मीटर, यानी डिस्टेंस 34.4 मीटर आई। अब दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय साउंड इन गोइंग फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड टू द साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड देन कमिंग बैक टू अस, सो आवर डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर एन इको शुड बी हाफ ऑफ 34.4 मीटर, विच इज 34.4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 17.2 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है 34.4 मीटर, ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ साउंड से लेकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक है ये डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन वहां पे साउंड जब वापस आएगा, ठीक
ठीक है, तो ये हाफ इस डिस्टेंस का होने चाहिए, 34.4 मीटर को हमें हाफ करना है, डिवाइड टू करना है, तो वी गेट 17.2 मीटर। 17.2 मीटर दैट्स द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर एन इको इज 17.2 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर, 17.2 मीटर ये होनी चाहिए, तब जाके इको सुनाई देगा। और ये जो 34.4 मीटर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड देन कमिंग बैक टू अस, यानी वापस जब वहां से आती है, तो हमें इसका हाफ लेना है, सो इट विल बी 17.2 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट्स द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हियर एन इको इज 17.2 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि कितनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, ये है 17.2 मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इको के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखेंगे रिवर्बरेशन क्या होता है। नाउ व्हाट इज रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इफ ए साउंड इज मेड इन ए बिग हॉल, अगर साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा एक बिग हॉल में, द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली, द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल एंड प्रोड्यूस मेनी इकोज। क्या स्टूडेंट्स, अगर साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा एक बिग हॉल में, एक बिग हॉल में साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये साउंड जो है, साउंड वेव्स जब प्रोड्यूस होते हैं वहां पे क्या होता है, द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड रिपीटेडली, वहां पे साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं, वहां से ये रिफ्लेक्ट होते हैं वॉल्स ऑफ द हॉल से, ठीक है, सीलिंग्स ऑफ द वॉल से, या एंड फ्लोर ऑफ द वॉल से भी, तो वहां पे मेनी इकोज आर प्रोड्यूस्ड, मेनी इकोज आर प्रोड्यूस, वहां पे बहुत इकोज होते हैं। क्या मैंने बोला कि जब हम एक बड़े हॉल में साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो वॉल्स होते हैं उस हॉल के, वहां जो सीलिंग होता है उस वॉल का, या वहां जो फ्लोर होता है उस वॉल का, वो क्या करते हैं, इस साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जब वॉल ने भी, यानी वॉल ऑफ द हॉल ने भी ये साउंड को रिफ्लेक्ट किया है, सीलिंग ऑफ द हॉल ने भी रिफ्लेक्ट किया साउंड, फ्लोर ऑफ द हॉल ने भी रिफ्लेक्ट किया है साउंड, तो वहां पे बहुत सारे इकोज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, क्या होता है, मेनी इकोज आर प्रोड्यूस्ड, द इको टाइम इज हाउएवर सो शॉर्ट दैट द मेनी इकोज ओवरलैप विद द ओरिजिनल साउंड। इको टाइम वहां पे, इको टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड्स, लेकिन वहां पे इको साउंड, इको यानी टाइम ड्यूरेशन जो है वहां पे, इको टाइम इज वेरी शॉर्ट, इको टाइम वहां पे बहुत कम होता है, क्योंकि वॉल्स भी रिफ्लेक्ट साउंड करते हैं वहां पे, सीलिंग ऑफ द हॉल भी रिफ्लेक्ट साउंड करता है, और वहां पे फ्लोर ऑफ द हॉल भी रिफ्लेक्ट साउंड करता है, तो जो इको टाइम है, इको टाइम इज वेरी शॉर्ट एंड मेनी इकोज वहां पे ओवरलैप होते हैं, वहां पे मेनी इकोज ओवरलैप होते हैं विद द ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल साउंड के साथ वहां पे बहुत सारे इकोज क्या ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप जो वो इकोस ओरिजिनल साउंड के साथ होते हैं, ड्यू टू दिस द ओरिजिनल साउंड सीम्स टू बी प्रोलॉन्ग्ड एंड लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो ये जो इकोस जब ओरिजिनल साउंड के साथ ओवरलैप होते हैं, तो वहां पे लगता है कि ओरिजिनल साउंड लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, इट परसिस्ट, इट सीम्स टू परसिस्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, ओरिजिनल साउंड सीम्स टू बी परसिस्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, इट सीम्स टू बी प्रोलॉन्ग्ड, इट सीम्स टू बी प्रोलॉन्ग्ड एंड लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो वहां पे लगता है कि ओरिजिनल साउंड वहां पे कुछ देर के लिए रुक जाता है, यानी परसिस्ट रहता है लॉन्गर टाइम। तो और ये जो ओरिजिनल साउंड वहां पे वो ब्लर लगता है, फिर वो अच्छे से सुनाई नहीं देता है, ठीक है, किस फिनामिनन को, द फिनामिनन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन। इसी फिनामिनन को रिवर्बरेशन कहते हैं। अब रिवर्बरेशन क्या है, सिंपली परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल, परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल्स,
सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड रिवरबरेशन। मैं स्टूडेंट से रिपीट करना चाहता हूँ, जब हम एक बड़े हॉल में वहाँ पे कुछ आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो साउंड वेव्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। किसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा? जो दीवार होगी उस हॉल की, ठीक है, वॉल ऑफ द हॉल, वो रिफ्लेक्ट करेगा साउंड, और जो सीलिंग ऑफ द हॉल वो भी रिफ्लेक्ट साउंड करेगा, फ्लोर ऑफ द हॉल वो भी रिफ्लेक्ट साउंड करेगा। तो वहाँ पे मेनी इकोस प्रोड्यूस होते हैं। ये इकोस क्या करते हैं? ये ओवरलैप होते हैं ओरिजिनल साउंड के साथ। तो उससे क्या लगता है कि ये जो ओरिजिनल साउंड है, इट सीम्स टू बी प्रोलॉन्ग्ड एंड परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसी और जो ओरिजिनल साउंड वो ब्लर्ड सुनाई देता है, वो अच्छे से सुनाई नहीं देता है। तो इसी फिनामिनन को रिवर्बरेशन कहते हैं। द फिनामिनन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन। इफ रिवर्बरेशन इज टू लॉन्ग, साउंड बिकम्स ब्लर्ड, डिस्टॉर्टेड एंड कन्फ्यूजिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड। अगर रिवर्बरेशन स्टूडेंट ज्यादा हो, ठीक है, तो साउंड ब्लर्ड सुनाई देगा, यानी आवाज अच्छे से सुनाई नहीं देगा। वो पर्सन क्या स्पीच दे रहा है वो अच्छे से सुनाई नहीं देगा, वो पर्सन वहाँ पे क्या बोल रहा है तो कुछ भी अच्छे से सुनाई नहीं देगा, और ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, यानी क्योंकि ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड्स, बहुत सारे साउंड्स वहाँ पे क्या इकोज या रिफ्लेक्ट साउंड ओवरलैप होते हैं विद ओरिजिनल साउंड से, तो साउंड जो है इट बिकम्स ब्लर्ड, डिस्टॉर्टेड एंड कन्फ्यूजिंग। अब हमें चाहिए कि हम ये रिवर्बरेशन जो है ये कम हो जाए, ठीक है। सो मेथड्स टू रिड्यूस रिवर्बरेशन इन बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम्स में, ऑडिटोरियम्स में या बिग हॉल्स में या कॉन्फ्रेंस हॉल्स में या कंसर्ट हॉल्स में क्या होना चाहिए? रिवर्बरेशन कम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं, क्या हमें चाहिए, क्या हमें करना चाहिए कि रिवर्बरेशन रिड्यूस हो जाए? द मेथड्स टू रिड्यूस रिवर्बरेशन इन बिग हॉल्स और ऑडिटोरियम्स आर, पैनल इज मेड ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लाइक कंप्रेस्ड फायर बोर्ड आर पुट ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ बिग हॉल्स एंड ऑडिटोरियम्स टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। पैनल्स हमें यूज करने चाहिए जो साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे। बिग हॉल्स में ऐसे पैनल्स लगाने चाहिए, ऐसे पैनलिंग करनी चाहिए कि वो साउंड को क्या एब्जॉर्ब करें, वो साउंड को एब्जॉर्ब करें, वहाँ पे रिवर्बरेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। और एक है कारपेट्स आर पुट ऑन द फ्लोर टू एब्जॉर्ब साउंड एंड रिड्यूस रिवर्बरेशन। कारपेट्स हैं माने पर्दे वगैरह, वहाँ पे हम यूज करते हैं, पर्दे लगाते हैं दीवारों पे वहाँ पे, और क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं साउंड को और एंड रिड्यूस रिवर्बरेशन। हैवी कर्टेन्स आर पुट ऑन डोर्स, ठीक है, हैवी कर्टेन्स हम किस पे रखते हैं, डोर्स पे, विंडोज पे, टू एब्जॉर्ब साउंड एंड रिड्यूस रिवर्बरेशन। ये क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिड्यूस रिवर्बरेशन। सीट्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स हैविंग साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज, हमें सीट्स वहाँ पे वो बेंचेस वगैरह जो लगे होते हैं वहाँ पे, वो जो सीटिंग अरेंजमेंट वहाँ पे जो होता है वो हमें एब्जॉर्ब, यानी उन मटेरियल्स के बनाने चाह होने यानी बनाने चाहिए। सीट्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स हैविंग साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज, उन मटेरियल्स की होनी चाहिए जो साउंड को एब्जॉर्ब करें, ठीक है। आप यहाँ पे मैंने फिर नोट लिखा, द सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड। जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, पोरस मटेरियल्स होते हैं, वो बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं साउंड के। द सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स आर एक्चुअली गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड। ये सॉफ्ट मटेरियल्स, पोरस मटेरियल्स क्या होते हैं, बैड रिफ्लेक्टर्स साउंड के होते हैं, लेकिन दे आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड, ये गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड होते हैं। स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया है इको के बारे में और रिवर्बरेशन के बारे में और मेथड्स टू रिड्यूस रिवर्बरेशन। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, कोई भी क्वारी हो, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, फी अमानिल्ला, असलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।